लोग सोचते हैं फलाना पादरी बहुत सामर्थी है, फलाना प्रोफेट बहुत सामर्थी है, इसके पास जाओ, इस पे नहीं कुछ हुआ उस पे कुछ हो जाएगा। अपने गुनाह को मानना नहीं, अपने पापों से पश्चाताप करना नहीं, लोगों को ढूंढते रहते हैं। और आजकल प्रोफेट भी बिकते हैं, पैसे लेते हैं, धोखा देते हैं लोगों को। लोग सोचते हैं गुनाहों से पश्चाताप ना करें, 25,000 दे दें, 50,000 दे दे पादरी को, ले हैंड प्रेयर करा लो। क्या होता है ले हैंड प्रेयर? व्हाट इज दिस? क्या है ले हैंड प्रेयर? सिर पे हाथ रखकर दुआ करने को ले हैंड प्रेयर बोलते हैं। हमने 27 साल हो चुका ले हैंड प्रेयर करता हूं, फ्री करता हूं, कभी पैसा नहीं लिया है। लेकिन आजकल प्रोफेट भी बहुत चालू हो गए, वो जानते हैं लोग पापों से पश्चाताप करना नहीं चाहते हैं, मन फिराना नहीं चाहते, वचन पर चलना नहीं चाहते। उन्होंने भी लूटना शुरू कर दिया, 50,000 दे दो गुर्दे ठीक कर दूंगा। अरे जिस दिन तेरे गुर्दे गए कोई ठीक करने वाला नहीं मिलेगा। 25,000 दे दो सब कुछ ठीक कर दूंगा, और जिस दिन तेरा सब कुछ बिगड़ गया कोई ठीक करने वाला नहीं मिलेगा। और इस समय मुझे पवित्र आत्मा एक बात बता रहा, एक बार सुन लो, YouTube पर सुनने वालों सुनो, यहां बैठे वाले सुनो, एक प्रोफेट एक नबी बिल्कुल उजड़ जाने वाला है, बहुत कम समय में ही विल गो, नथिंग, लूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसने बहुतों को लूटा और बर्बाद किया है, इसलिए परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर पड़ने वाला है। लुटेरे हो चुके हैं नबी लोग, लूटते हैं यीशु के नाम पर, कीमत लेते हैं यीशु मसीह के लहू की, कीमत लेते हैं कि यीशु ने हाथों में कीले ठुकवाई, कीमत लेते हैं इस बात की यीशु ने लोगों की बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया और क्रूस पर मारा गया, इसकी कीमत लेते हैं ये प्रोफेट लोग, ले हैंड प्रेयर के 25,000 50,000 लाख कितना कितना लूट चुके हैं। लेकिन शैतान इनको लूट कर इनको बर्बाद करने वाला है, ये परमेश्वर का दास विजय इमानुएल परमेश्वर की ओर से बोल रहा है। ये हाल नबियों का हुआ, ये हाल लोगों का है। 50,000 में ठीक कर दो, 25,000 में ठीक कर दो, मन फिराना नहीं, पश्चाताप करना नहीं, जुआ खेलेंगे, सट्टा खेलेंगे, सुर्तियां खाएंगे, गुटके खाएंगे, बीड़ियां पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, शराब पिएंगे, क्या क्या नहीं करते ये लोग, सब कुछ करते हैं और प्रोफेट के पास जाते हैं, पैसे ले लो दुआ कर दो। लेने वाला भी उतना ही गुनाहगार है, देने वाला भी उतना ही गुनाहगार है। लोग बर्बाद हो चुकी है कलीसियाएं, बर्बाद हो चुके हैं परमेश्वर के लोग, बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपका परमेश्वर है, यीशु आपके लिए क्रूस पर मरा है, यीशु ने आपकी बीमारियों को आपकी तकलीफों को अपनी शरीर पर ले लिया है, क्रूस पर मरा, इस बात पर विश्वास करें, पश्चाताप करें, आपके गुनाहों के लिए यीशु मरा है, इसलिए मन फिरा लें और कहें प्रभु मैं पापी हूं, मैं गुनाहगार हूं, मैंने सुर्ती खाई, मैंने गुटखा खाया, मैंने गालियां दिया, मैंने व्यभिचार किया, मैंने तरह तरह की बुराइयां की हैं, तू मुझे माफ कर दे, बस माफी मांगने की जरूरत है। बोलता है
यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं, उद्धार ना कर सके।